Subscribe to Shimaru Good Health 24/7 and hit the bell icon to stay fit and healthy. आज हम एक नया वीडियो लेके प्रस्तुत हुए हैं और इस वीडियो के द्वारा हम जानेंगे प्रेगनेंसी का पांचवा महीना, उनमें हो रहे लक्षण, बच्चे का विकास और शारीरिक बदलावों के बारे में। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले हम आपको बता दें, अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को एंड तक अवश्य देखें। गर्भावस्था के 9 महीने क्या महत्व रखते हैं, इसे गर्भवती महिला के अलावा अन्य किसी के लिए समझना कठिन है। आज हम बात कर रहे हैं गर्भावस्था के पांचवें महीने यानी 17वें सप्ताह से 20वें सप्ताह तक की। इस महीने तक पहुंचते पहुंचते त्वचा खिल उठती है और गर्भावस्था का रूप आपके चेहरे पर दमकने लगता है। जैसे जैसे गर्भावस्था का समय बढ़ता है, वैसे वैसे शरीर में कई बदलाव होते हैं। गर्भ में शिशु के विकास होने के चलते पेट बढ़ने लगता है, वहीं कुछ शारीरिक परेशानियां भी होती रहेंगी। इस वीडियो में गर्भावस्था के पांचवें महीने के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं गर्भावस्था के पांचवें महीने के लक्षणों पर। पहला, थकान होना। दोस्तों, गर्भावस्था के पांचवें महीने में थकान होना आम लक्षण है। जैसे जैसे गर्भ में शिशु का वजन बढ़ेगा, गर्भवती को जल्दी थकान महसूस होगी। दूसरा, पीठ दर्द होना। गर्भाशय में शिशु का आकार बढ़ने के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होने की समस्या आम है। अधिकतर गर्भवती महिलाएं पूरे गर्भावस्था के दौरान पीठ दर्द की समस्या से परेशान रहती हैं। तीसरा, सिर दर्द होना। दोस्तों, हालांकि गर्भावस्था में गैस और कब्ज की समस्या होना आम है, इस वजह से सिर दर्द की शिकायत अक्सर रहती है। चौथा, नाखून कमजोर पड़ना। इस दौरान नाखूनों पर भी असर पड़ता है। आप पाएंगे कि गर्भावस्था के दौरान आपके नाखून पहले से कमजोर हो गए हैं और जल्दी टूट जाते हैं। कुछ मामलों में नाखून मजबूत भी हो जाते हैं। ऐसा ज्यादातर दूसरी तिमाही के दौरान होता है। पांचवा, मसूड़ों से खून आना। दोस्तों, गर्भावस्था के पांचवें महीने में अधिकतर महिलाओं को मसूड़ों से खून आने की समस्या से जूझना पड़ता है। ऐसा हार्मोनल बदलाव या फिर विटामिन के की कमी के कारण होता है। छठा, सांस लेने में तकलीफ होना। दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ने के कारण ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को सांस लेने में तकलीफ होती है। इसके अलावा वजन बढ़ने के कारण भी सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। सातवां, योनि से सफेद पानी आना। दोस्तों, योनि से सफेद स्राव भी आता है, जिसे ल्यूकोरिया कहते हैं। आठवां, भूलने की समस्या। गर्भावस्था में हार्मोनल बदलाव के चलते मस्तिष्क पर असर पड़ता है, जिस कारण गर्भवती को भूलने की समस्या हो सकती है। नौवा, टखनों में सूजन आना और पैरों में दर्द होना। गर्भावस्था के पांचवें महीने के दौरान पैरों में दर्द और सूजन होना आम है। गर्भावस्था के दौरान शिशु के पोषण के लिए शरीर में रक्त ज्यादा बनता है और अक्सर टांगों की नसें ब्लॉक हो जाती है, जिस कारण रक्त पैरों से हृदय तक नहीं पहुँच पाता, तब ये लक्षण नजर आते हैं। दसवां, गैस व कब्ज रहना। जी हाँ, शरीर में होने वाले तमाम तरह के बदलाव से कब्ज हो सकती है, जिससे गैस की समस्या भी होती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं प्रेगनेंसी के पांचवें महीने में शरीर में होने वाले बदलावों के बारे में। दोस्तों, गर्भावस्था के पांचवें महीने में बेबी बंप दिखना शुरू हो जाता है। अब आप इसे संभालने की आदत डाल लें, क्योंकि गर्भ में भ्रूण का आकार बढ़ने के साथ साथ आपका बेबी बंप और बढ़ेगा। इसके अलावा गर्भावस्था के पांचवें महीने में बताए गए शारीरिक बदलाव नजर आ सकते हैं, और वो कुछ इस प्रकार है। पहला, गर्भाशय का आकार। आपका गर्भाशय बढ़कर एक फुटबॉल के आकार जितना हो जाएगा। यही समय है जब आप अपने पुराने कपड़े छोड़कर विशेष रूप से गर्भावस्था के लिए बनाए गए ढीले ढाले कपड़ों को पहनना शुरू कर दें। दूसरा, पेट पर खिंचाव। पेट बढ़ने के कारण लिगामेंट में खिंचाव आने लगता है, जिससे खिंचाव के निशान आपके पेट पर नजर आ सकते हैं। इन्हें कम करने के लिए आप स्ट्रेच मार्क्स क्रीम का इस्तेमाल कर सकती हैं। तीसरा, हाथों में गर्माहट। आपको अचानक अपनी हथेलियों में गर्माहट का एहसास हो सकता है। ये शरीर में होने वाली रक्त की आपूर्ति के कारण होता है। यही नहीं, इस वजह से हथेलियों पर लाल लकीरें भी उभर सकती हैं। चौथा, बालों में बदलाव। दोस्तों, गर्भावस्था के पांचवें महीने में आपके बालों में भी बदलाव महसूस हो सकता है। आप पाएंगे कि अचानक से आपके बाल मोटे हो गए और इनका झड़ना भी कम हो गया है। पांचवा, बहुत भूख लगना। जी हाँ, इस महीने गर्भवती महिला को पहले की तुलना में ज्यादा भूख लग सकती है। एक और जहाँ कुछ महिलाएं सब कुछ खा लेती हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ महिलाओं को कोई विशेष चीज ही खाने का मन करता है। गर्भावस्था के पांचवें महीने में बच्चे का विकास और आकार। जैसा कि हमने बताया कि पांचवें महीने में गर्भाशय एक फुटबॉल के आकार का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि गर्भ में बच्चा तेजी से बढ़ रहा है
अब हम आपको बताएंगे इस महीने तक शिशु का विकास और आकार कैसा होता है। सबसे पहले जानते हैं गर्भ में बच्चे का आकार और वजन के बारे में। तो दोस्तों, इस महीने के अंत तक गर्भ में शिशु करीब 6.5 इंच का हो जाता है और एक स्वस्थ शिशु का गर्भ में वजन करीब 226 ग्राम होता है। अब बात करते हैं गर्भ में बच्चे के विकास के बारे में। पांचवें महीने में शिशु की त्वचा पर रक्त वाहिकाएं दिखनी शुरू हो जाएंगी। हड्डियां और मांसपेशियां पूरी तरह से विकसित हो जाएंगी। अब शिशु गर्भ में अंगड़ाइयां और जमाइयां भी ले पाएगा। अगर शिशु लड़का है तो इस महीने तक उसके अंडकोश विकसित हो जाते हैं। अगर शिशु लड़की है तो उसका गर्भाशय विकसित हो जाता है। शिशु के सीने पर निप्पल दिखने लगेंगे, फिंगरप्रिंट बनने लगेंगे और मसूड़ों के अंदर दांत बनने लगेंगे। साथ ही साथ किडनी पूरी तरह से काम करना शुरू कर देंगी। इसके बाद दोस्तों, हम जानेंगे गर्भावस्था के पांचवें महीने में देखभाल के बारे में। तो दोस्तों, गर्भावस्था का पांचवा महीना गर्भवती महिला के लिए बेहद खास होता है। इसमें जीवन शैली से लेकर खान पान तक का विशेष ख्याल रखना होता है। आप जो भी खा रही हैं, इसका सीधा असर न सिर्फ आप पर बल्कि होने वाले शिशु पर भी पड़ता है। अब हम आपको कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं, तो जानते हैं गर्भावस्था के पांचवें महीने में क्या क्या खाएं। पहला, ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ लें। ध्यान रहे कि अब आपको दो लोगों का ख्याल रखना है, एक अपना खुद का और दूसरा गर्भ में पल रहे शिशु का। इसलिए खुद को हाइड्रेट रखें और ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं। दूसरा, प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं। जी हाँ, बच्चे के विकास के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। एक स्वस्थ गर्भावस्था के लिए दूसरी और तीसरी तिमाही में 21 ग्राम अतिरिक्त प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। इसलिए अपने खान पान में प्रोटीन युक्त भोजन शामिल करें। इसके लिए दालें, पनीर, सोयाबीन, अंडा आदि का सेवन कर सकते हैं। तीसरा, सैलड का सेवन करें। दोस्तों, अपने खान पान में सैलड को शामिल जरूर करें। इससे आपको फाइबर मिलेगा, जिससे कब्ज जैसी समस्या दूर होगी। सैलड के तौर पर आप गाजर, टमाटर व खीरे जैसी सब्जियों को शामिल कर सकती हैं। ध्यान रहे कि आप सब्जियों को खाने से पहले अच्छी तरह से धो लें। चौथा, फल खाएं। गर्भावस्था में फलों का सेवन बहुत जरूरी है। इनमें भरपूर रूप से विटामिन, खनिज और फाइबर होता है, जो गर्भवती महिला के लिए जरूरी है। आप सेब, केला, संतरा व कीवी जैसे फलों को अपने खान पान में शामिल कर सकती हैं। पांचवा, हरी सब्जियां लें। दोस्तों, भले ही बहुत सारी सब्जियां रोजाना खाकर आप ऊब जाएं, लेकिन अपने नन्हे के लिए जरूर खाएं। आयरन की आपूर्ति के लिए आप पालक व ब्रोकली का सेवन करें। आप चाहें तो कुछ सब्जियों की स्मूदी बना सकती हैं। छठा, साबुत अनाज। जी हाँ दोस्तों, गर्भावस्था में साबुत अनाज का सेवन फायदेमंद होता है। इसमें आप गेहूं, चावल, कॉर्न व ओट्स शामिल कर सकती हैं। चलिए दोस्तों, अब आपने जान लिया कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, लेकिन अब हम आपको बताने वाले हैं गर्भावस्था के पांचवें महीने में क्या ना खाएं। पहला, कोल्ड ड्रिंक को कहें ना। जी हाँ, गर्भावस्था में कोल्ड ड्रिंक के सेवन से परहेज करें। इनमें कैफीन, शुगर और ऐसी कैलोरीज होती है जो गर्भवती और होने वाले शिशु को नुकसान पहुंचाती है। इसकी जगह आप ताजे फलों का रस पी सकती हैं। ये ना सिर्फ आपको ताकत देगा बल्कि आपको तरोताजा भी रखेगा। दूसरा, न खाएं ये फल। दोस्तों, गर्भावस्था के पांचवें महीने में अनार, कच्चा पपीता, अनानास खाने से बचें। इनसे गर्भपात होने का खतरा हो सकता है। तीसरा, कैफीन भूल से भी ना लें। गर्भावस्था में कैफीन युक्त चीजें जैसे चाय, कॉफी, चॉकलेट आदि खाने से बचें। इससे जन्म के बाद शिशु को अनिद्रा की समस्या हो सकती है। चौथा, जंक फूड ना खाएं। दोस्तों, बाहरी जंक फूड जैसे पिज्जा, बर्गर खाने से बचें। इसके अलावा बाहरी चाट पकौड़ियों से भी परहेज करें। पांचवा, शराब व तंबाकू। दोस्तों, शराब, तंबाकू व सिगरेट का सेवन बिल्कुल ना करें। ये गर्भवती और होने वाले बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक है। और छठा, कच्चा अंडा या कच्चा मांस। अगर आप अंडा या मांस खाती हैं, तो इसे अच्छी तरह पकाकर ही खाएं। कच्चे अंडे में साल्मोनेला बैक्टीरिया होता है, जिससे भोजन विषाक्तता हो सकता है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं गर्भावस्था के पांचवें महीने के लिए कौन कौन से व्यायाम जरूरी है। व्यायाम हर व्यक्ति के लिए जरूरी होता है। एक स्वस्थ और निरोगी जीवन जीने में व्यायाम की खास भूमिका होती है। वहीं जब बात गर्भावस्था की हो, तो इस दौरान भी व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। इस अवस्था में कोई भी गर्भवती महिला नियमित रूप से सैर और सांसों के व्यायाम कर सकती है। इसके अलावा कुछ योगासन करना भी आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।
जैसे पहला तितली आसन। इस आसन से मांसपेशियां मजबूत होती है और श्रोणि व कुल्हों में लचीलापन आता है। इसके अलावा ये आसन करने से प्रसव में आसानी होती है। दूसरा पर्वतासन। इससे टांगे और घुटनों में मजबूती आती है और गर्भाशय से संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद मिलती है। तीसरा सुखासन। दोस्तों इस आसन से गर्भवती को होने वाली रीढ़ की समस्या से राहत मिल सकती है। इससे मन और मस्तिष्क भी शांत रहता है। चौथा वक्रासन। दोस्तों ये आसन कब्ज, कमर दर्द और ऐंठन जैसी समस्या को दूर करने में मदद करता है। गर्भवती को ये समस्याएं आमतौर पर होती रहती है। पांचवा उत्कटासन। ये पीठ के निचले हिस्से को मजबूती देता है। इसके अलावा ये आसन रीढ़ की हड्डी एवं कूल्हों के लिए फायदेमंद है। दोस्तों आप पांचवें महीने में इन आसनों को कर सकती हैं, लेकिन इन्हें हमेशा एक योग विशेषज्ञ की निगरानी में रहकर ही करें। चलिए दोस्तों अब जानते हैं गर्भावस्था के पांचवें महीने के दौरान स्कैन और परीक्षण के बारे में। दोस्तों गर्भावस्था में नियमित रूप से चिकित्सीय जांच करवाना जरूरी है। इसमें बच्चे के विकास से लेकर उसके स्वास्थ्य की जांच की जाती है। बात की जाए पांचवें महीने की तो इस दौरान बताए गए जांच की जाती है। पहला कॉर्डोसेंटेसिस टेस्ट। दोस्तों अगर डॉक्टर को कोई खास दिक्कत नजर आती है तो वे गर्भवती को कॉर्डोसेंटेसिस जांच करने की सलाह देते हैं। इस जांच में ये पता किया जाता है कि कहीं शिशु में क्रोमोसोम असमानता तो नहीं है। दूसरा एमनियोसेंटेसिस टेस्ट। गर्भावस्था के दौरान एमनियोसेंटेसिस टेस्ट भी किया जा सकता है। इसमें ये देखा जाता है स्पाइना बिफिडा, डाउन सिंड्रोम जैसे दोष तो नहीं है। हालांकि ज्यादातर मामलों में इसका परिणाम सामान्य ही आता है। तीसरा पांचवें महीने में अल्ट्रासाउंड। दोस्तों इस दौरान अल्ट्रासाउंड भी कराया जाता है। इस अल्ट्रासाउंड में शिशु के स्वास्थ्य की जांच की जाती है। इसमें शिशु का लिंग डॉक्टर को पता लग सकता है, लेकिन भूलकर भी आप शिशु का लिंग जानने की कोशिश ना करें। ऐसा करना एक दंडनीय अपराध है। इससे आपको जेल भी हो सकती है। इसके अलावा रक्तचाप, वजन, गर्भाशय का आकार मापना, यूरिन जांच, हेमोग्लोबिन स्तर की जांच के लिए रक्त जांच व शिशु के दिल की धड़कनों की जांच की जाती है। चलिए अब जानते हैं गर्भावस्था के पांचवें महीने के दौरान किन किन सावधानियों को बरतनी चाहिए। चूंकि इस महीने से बच्चा और तेजी से बढ़ता है, इसलिए और सावधानी की जरूरत होती है। हम बता रहे हैं कि अब किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। पहला रैशेज का रखें ख्याल। गर्भावस्था में गर्मी के कारण आपको बगल और स्तनों के आसपास रैशेज की समस्या हो सकती है। इनसे राहत पाने के लिए शावर लेना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। दूसरा बाईं ओर करवट लेकर सोएं। चूंकि अब आपका पेट बढ़ रहा है, इसलिए सामान्य अवस्था में सोना कठिन हो सकता है। आप बाईं ओर करवट लेकर सोएं, जो कि आपके और शिशु दोनों के लिए फायदेमंद है। तीसरा ढीले ढाले कपड़े पहने। अब बढ़ते पेट के कारण आपको बिल्कुल ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। चौथा फाइबर युक्त भोजन खाएं। दोस्तों इस दौरान गर्भवती को कब्ज की समस्या रहती है, इससे राहत पाने के लिए फाइबर युक्त भोजन खाना चाहिए। पांचवा पोस्चर का ध्यान रखें। जब भी घर पर रहें, अपने उठने बैठने आदि के पोस्चर का ख्याल रखें। ज्यादा लंबे समय तक खड़े ना रहें। काम करने के दौरान बीच बीच में ब्रेक लेकर आराम करती रहें। दिन के समय थोड़ी देर सोना फायदेमंद रहता है। छठा अपने बच्चे से बात करें। गर्भ में पल रहे बच्चे से आप बात करें। आप हैरान रह जाएंगी जब आपकी आवाज सुनकर आपका बेबी किक के रूप में प्रतिक्रिया देगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं गर्भावस्था के पांचवें महीने में क्या ना करें। तो पहला शराब, कैफीन और सिगरेट का सेवन बिल्कुल ना करें। ये होने वाले शिशु पर बुरा प्रभाव डालता है। और दूसरा अगर किसी गर्भवती महिला की पहले से कोई संतान है तो इस महीने में अपने बच्चे को गोद में ना उठाएं। ऐसा करने से आपके बढ़ते बेबी बंप पर दबाव पड़ सकता है, जो गर्भ में पल रहे भ्रूण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो दोस्तों अब हम जानेंगे गर्भावस्था के पांचवें महीने के दौरान कुछ चिंताओं के बारे में। पांचवा महीना एक ओर जहां गर्भावस्था में खूबसूरत अनुभव कराता है, वहीं दूसरी ओर कुछ सामान्य समस्याएं भी लेकर आता है। ऐसा होने पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। पहला धड़कन बढ़ जाने पर तनाव, खून की कमी व मोटापे से कई बार गर्भवती महिला की धड़कनें और नब्ज बढ़ जाती है। ऐसे में महिला को सीने में दर्द व सांस लेने में तकलीफ जैसा अनुभव हो सकता है। ऐसा होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दूसरा बार बार चक्कर आना या बेहोश होना। यूं तो शुरू के तीन महीनों में चक्कर आना आम है, लेकिन पांचवें महीने में भी लगातार चक्कर आ रहे हैं तो ये हाइपरटेंशन का संकेत हो सकता है। ऐसा होने पर आप तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। तीसरा
योनि से स्त्राव तेज होना। दोस्तों गर्भावस्था में योनि से स्त्राव होना आम है, लेकिन ये स्त्राव बहुत ज्यादा हो या इसका रंग गुलाबी, हरा या लाल नजर आए तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चौथा, पैरों में सूजन ज्यादा बढ़ना। यूं तो गर्भावस्था में पैरों में सूजन और ऐंठन सामान्य है, लेकिन अगर ये समस्या ज्यादा होने लगे तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। ये प्री एक्लेम्सिया के लक्षण हो सकते हैं। ये समस्या मुख्य रूप से उच्च रक्तचाप के कारण होती है। प्री एक्लेम्सिया का समय पर उपचार ना कराने पर गर्भवती व शिशु दोनों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। और पांचवा, पीठ में तेज दर्द होना। दोस्तों गर्भावस्था में पीठ में तेज दर्द होना सामान्य है। बढ़ते गर्भाशय से दबाव पड़ने के कारण पीठ के निचले हिस्से में दर्द होता है। अगर ये समस्या ज्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। चलिए दोस्तों अब हम होने वाले पिता के लिए कुछ टिप्स दे देते हैं। एक और जहां गर्भावस्था में गर्भवती महिला को खास देखभाल की जरूरत होती है, ऐसे में होने वाले पिता को भी अपनी कुछ जिम्मेदारियां समझनी होती है। यहां हम होने वाले पिता के लिए कुछ जरूरी टिप्स दे रहे हैं। पहला, इस बात का ध्यान रखें कि आपकी पत्नी ठीक से खाए और पूरी नींद लें। दूसरा, स्वास्थ्य बीमा और अन्य जरूरी कामों की जानकारियां इकट्ठा करें, जैसे कि किस अस्पताल में डिलीवरी करवानी है। और तीसरा, पत्नी का जो खाने का दिल करे वो चीज लाने की जिम्मेदारी आप उठाएं। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से वो भी हमें बताएं, और अपने दोस्तों और चाहने वालों के बीच में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि हर वो माँ जो दूसरे महीने की प्रेगनेंसी से गुजर रही है अपने बच्चे का अच्छे से अच्छा ख्याल रख सके। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।